तो आज मैं आ गई हूँ पार्लर में हेयर स्पा करवाने के लिए। तो कैसी लग रही हूँ बताना। और मेरे गोद में इधर कल्लू बैठा हुआ है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ उसको लेकर जाती हूँ, क्योंकि अकेले घर पर रोने लगता है। तो कैसी लग रही हूँ? तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डॉक्टर अपने घर में व्यस्त होंगे। और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो बाल देखिए मेरा कैसे मैं बाल को बनाई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाल बनाकर या ऐसे मेकअप कर कहाँ जा रही हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ, आज मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि 3 महीना हो चुका है पार्लर गए हुए। तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर स्पा करवाने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट बालों में हेयर स्पा बहुत ज़रूरी रहता है। तो आज मैं जा रही हूँ पार्लर, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए, ये देखिए मैं पीछे से दिखा रही हूँ आप लोग को बाल, मेरा बाल कितना लंबा हो गया है। तो जिस वक्त मैं करवाई थी स्ट्रेट, तो उस वक्त मेरा इतना इतना देखिए इतना बढ़ गया है मेरा बाल इतना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ अपना हेयर स्पा करवा लूँ और फिर बाल भी कटिंग करवा लूँ। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल रेडी। और कैसा मेरा ड्रेस लग रहा है आप लोग कमेंट करना। आजकल यही सब ड्रेस चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करना मेरा ड्रेस। और ये मेरा सूज रहा, तो आज मैं ब्लैक एंड वाइट पहनी हूँ। तो कैसे लग रही हूँ कमेंट करना आप लोग। तो बस तैयार हो चुकी हूँ और दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अब मैं निकलने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है काम वाम करने में, तो क्या कहते हैं नाश्ता करने में थोड़ा लेट हो गया। तो मैं नहा हुआ कर आई, इसके बाद ऐसा तैयार होकर फिर इसके बाद निकल रही हूँ अभी मैं पार्लर। तो अभी मैं सूज वूज पहन लूँगी, पहन कर अभी मैं देखिए बस जूता पहन रही हूँ और जस्ट मैं निकलूँगी पार्लर तुरंत। और भाई मेरा उधर तैयार हो रहा है, और मेरे साथ जाने वाला है मेरा कल्लू राजा, जो कि वो भी नहीं रह पाता है। तो चलो चलती हूँ फिर बाहर, मिलती हूँ आप लोगों से, है ना। तो कैसी लग रही हूँ मैं आपको सूज दिखा रही थी ऐसे कर। तो मेरा सूज भी कैसा लग रहा है, न्यू सूज है मेरा। तो अभी मैं जाती हूँ पार्लर, और बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ, तो मैं आप लोग बाहर की सिचुएशन दिखाती हूँ। तो अभी देखिए बाहर निकल गई हूँ, इतना 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 धूप किया हुआ था। मम्मी मेरी धूप में इधर बैठी थी, मेरा कल्लू को देखिए मेरा कल्लू तैयार हो चुका है, और इधर धूप देखिए कितना खतरनाक है। तो अभी मैं निकल गई हूँ अपने घर से, और ये है हमारा फील्ड जिसमें दुर्गा पूजा का मेला लगता है। तो आप लोग देख सकते हो, और कल्लू को देखिए कितना खतरनाक बैठा हुआ है। ये आगे ही बैठ कर जाता है, इसको पीछे बैठाए थे तो बहुत ज़ोर चिल्ला रहा था ये, तो अभी ये आगे बैठा है तो शांत है। तो अभी देखिए हम लोग रोड पे आ गए हैं, हाईवे पे। तो अभी मैं चल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ था, स्टॉल भी नहीं लिए थे, गलती हो गई थी, बट कोई नहीं है ना, पहुँच ही जाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने वासेपुर, और गैंग ऑफ वासेपुर जिसने मूवी देखा है यहीं का सीन है वो। और अभी मैं आ गई हूँ अपने कॉलेज के पास, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि अभी क्रॉस कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। और जस्ट मैं अभी पहुँचूँगी कि सिटी सेंटर, तो सिटी सेंटर के पास ही पार्लर है, चलते हैं पार्लर, फिर इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो ये देखिए मैं अभी पहुँचने वाली हूँ, ये जो बिल्डिंग साइड में दिख रहा है ना रेड कलर का, बस इसी में पार्लर है। तो चलती हूँ और उतर कर दिखाती हूँ क्या सिचुएशन है, कैसा है ना। ये मेरा भाई है आगे में, और डोगी उसके आगे बैठा हुआ है टंकी पे, तो मैं आप लोग को उतर के दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद देखिए कल्लू को सिचुएशन कैसे ये बैठ के आता है, ऐसे ही बैठ के आता है ये। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या है कैसे है, संडे है। वैसे हम लोगों ने फ़ोन कर लिया था, फ़ोन करके आ रही हूँ, तो ऐसा है ये सिचुएशन है। तो अभी चलते हैं अंदर, फिर मैं आप लोगों से मिलाती हूँ, है ना। तो ये है नाम, आप लोग पढ़ लीजिए, सिटी सेंटर के पास बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं, है ना। तो अभी हम अंदर आ चुके थे, अंदर आने के बाद देख रही थी बहुत ज़्यादा खाली था, कोई भी कस्टमर नहीं था, तो मुझे कुछ डाउट होने लग गया। तो मैं आप लोग को बताऊंगी इसका कहानी आगे। तो ये लड़की है, ये अभी मेरा थ्रेडिंग बनाएगी, क्योंकि जिससे मैं सर्विस लेती हूँ वो बॉय है नहीं, वो उसी से मैं करवाई थी हेयर स्ट्रेटिंग वगैरह, तो वो है नहीं। तो अभी देखिए ये थ्रेडिंग बना रही है मेरा ये लड़की। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं पार्लर से निकल कर, तो पेट्रोल भरवा ले रहे हैं। तो आप लोग मैं बता दूं, अभी मैं उस पार्लर से निकल के दूसरे पार्लर जा रही हूँ जहाँ पे वो लड़का चला गया है, जो लड़का मुझे सर्विस देता है।
वो यहाँ का पार्लर छोड़कर वहाँ चला गया है। तो ये देखिए मैं पार्लर भी पहुँच गई हूँ, और पार्लर का नाम है इसका जो नया पार्लर में रहने लग गया है, मतलब काम करता है, तो ये इसका पार्लर का नाम है ए एम सैलून। ये देखिए ए एम सैलून। तो चलते हैं यहाँ अंदर और देखते हैं कैसा इसमें सर्विस मिलता है। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, वेलकम। तो आप लोगों का भी वेलकम। तो भाई चला गया अंदर पहले, मैं चलती हूँ अंदर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर जाने के बाद। तो बने रहिए ब्लॉग पे आप लोग। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, अंदर आने के बाद मेरा कल्लू को देखिए, बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ था। तो अंदर आने के बाद एसी था तो इसको राहत बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो अभी देखिए ये नीचे कैसे कर रहा, करने के बाद ये सो गया है बहुत। देखिए कैसे लेट गया ये मेरा बच्चा, ही कैसे कर रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं इसके बाद गोदी ले ली, उसको गोद लेकर वीडियो बना रही थी, क्योंकि बाहर ये नीचे नहीं रह पा रहा था, जो कटिंग वाला बाल था ना ये खाने लग रहा था, इसे मैं गोद ले ली हूँ। और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, एक साइड में शीशा लगा हुआ, एक साइड में ऐसे। तो ये देखिए फिर मेरा यहाँ पे हेयर मतलब हेयर वॉश हो रहा है, शैम्पू हो रहा। और ये जो दीदी है ना, ये मना की कि मेरा फेस नहीं दिखाइएगा, तो मैंने बोला कोई नहीं, आपका हैंड तो दिखा सकती हूँ ना। तो अभी मेरा हेयर वॉश हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। हेयर वॉश होने के बाद अब ये दीदी आई है, इनका फेस दिख ही गया। अभी ये दीदी मेरा बाल को ड्राई करेंगी। और यहाँ पे इतना सुंदर व्यू था ना, एक देखिए बीच में शीशा है ना, साइड साइड में आपको गाड़ी दिख रहे होंगे, जो कि रोड पर का दिख रहा था, ये नीचे का ये दिख रहा था। तो एक झलक मैं आप लोग को दिखाती हूँ नीचे का, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था। ये ऐसा वहाँ पर नहीं था, और वहाँ का बॉय यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं इनसे आई हूँ वो करने के लिए, सर्विस लेने के लिए। तो अभी मेरे बालों में क्रीम लग चुका है, क्रीम लगने के बाद क्लेचर लगा दी हैं। अभी मैं वेट करूँगी आधे घंटा, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ आराम से, है ना। अकल्लू मेरा सो गया है गोद में, बेचारा बहुत थक गया था। ये देख सकते हो मेरा बाल में अब गर्म पानी का भाप लग रहा है, जो कि फिर मुझे 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद इधर एक दीदी भी स्ट्रेट करवा रही थी, जो कि पूछ रही थी कि आप बाल में क्या लगाती, इतना लंबा हो गया है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, बस नेचुरल है, क्या लगाऊंगी। तो अभी देखिए मेरा बाल अब ड्राई भी हो चुका है, ड्राई होने के बाद थोड़ा सा सेट कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में। और ये बहुत मतलब दूर में सैलून है थोड़ा, हमारे बिग बाज़ार है ना, हमारे घर से बिग बाज़ार आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाते हैं, तो वहाँ से आने में जाने में बहुत टाइम लग गया था। तो देख सकते हो आप लोग मेरा बाल अब ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद कंघी वंगी हो चुका है। तो फाइनल लुक आप लोग देखिए कैसा लग रहा है मेरा बाल, ये देखिए। तो ये जो अभी बस, तो फिर हम निकल चुके हैं स्टूडियो से, और निकलने के बाद सैलून से नीचे आ गए थे, और नीचे आने के बाद चलिए हम घर की ओर निकलते हैं। तो ये देख सकते हो हम लोग घर की ओर निकल ही रहे थे, तो जैसे मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ बिग बाज़ार। देखिए बिग बाज़ार से थोड़ी सी आगे था, ज़्यादा आगे नहीं था, बिग बाज़ार से थोड़ा सा आगे। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, ये देखिए बिग बाज़ार, ये वाला मॉल है बिग बाज़ार, जो कि शाम का टाइम हो गया था, 5:30 बज गए थे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था, ट्रैफिक था, इधर खाने वाने का लगा हुआ था, ये देखिए बिग बाज़ार। तो अभी हम लोग बिग बाज़ार से थोड़ा सा आगे आ गए थे, बी मार्ट में मुझे लेना था जूस वगैरह। तो मैं जा रही हूँ अंदर, फिर मैं जूस लेकर आप लोगों से आराम से मिलती हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा वगैरह दिखाने में अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने जूस वूस ले चुका है, लेने के बाद मैं निकल गई हूँ। निकलने के बाद रास्ते में मिल गया हमारा कॉलेज, देखिए एस एस लेंटी कॉलेज। तो इसी कॉलेज में पढ़ी हूँ, इंटर इसी में की हूँ, बी ए इसी में की हूँ। तो मेरा कल्लू है, चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर पहुँच कर। तो अभी हम घर पहुँच चुके हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मन करा कब निकाल कर और दूसरी चेंज करूँ। तो मैं जल्दी अब चलिए चेंज कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, और अपना ख्याल रखें। और देखिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह 12:30 बजे निकली थी और 6:30 बज गए, बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो गया। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।